गुड मॉर्निंग गाइस, करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। और आज मैं इतनी खुशी इसलिए हूँ बिकॉज वी आर गोइंग फॉर एन इनविटेशन जो कि है स्पाइडर वर्सेस मूवी का मीट एंड ग्रीट। तो लेकिन उससे पहले मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, मुझे मॉर्निंग ड्यूटी के लिए जाना है एंड आफ्टर दैट आई विल बी अटेंडिंग द इवेंट इन द इवनिंग आवर्स। और उसके लिए मैं रेडी होने के लिए मैंने अपनी ड्रेस नीचे रेडी कर दी है। बाय द वे, नेल पेंट से आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या पहनने वाली हूँ, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी मैं क्या पहनने वाली हूँ। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल सा मैं अपना आउटफिट रखने वाली हूँ और चीकू का भी आउटफिट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रखने वाली हूँ। और उसका हेयर कट हो रखा है तो मैं उसे फ्रॉक नहीं पहना सकती, इसलिए मैं उसे लड़कों वाले कपड़े पहना रही हूँ। एनीवेज, ये है हमारा आज का शेड्यूल। और बाहर मौसम इतना बेहतरीन हो रखा ना, इतनी बारिश आई हुई है, पूरा तूफान आया हुआ था, नींद मेरी पूरी नहीं हो पा रही है यार पिछले लास्ट वन वीक से। एंड अभी रेडी होती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ, ड्यूटी के लिए निकलती हूँ, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्टली दिखाती हूँ अपना आउटफिट। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने इवेंट के लिए एंड लुक, मेरे साथ कौन कौन है? मेरा बड़ा बेटा, मेरा छोटा बेटा और बेटी का पापा। इतनी कुछ सड़ी शक्ल बनाई मेरे पापा। हाँ तो मैंने यही तो बोला, बेटे का पापा, आप ही के पापा है बच्चे। कंजू मंजू मेरा बेटा। अब मैं खा रही हूँ बिस्किट, मतलब कुरकुरे। बिस्किट मतलब कुरकुरे होता है क्या? हाँ। फाइनली हम लोग पहुंच गए एंड वी आर अबाउट टू रीच। मुझे फिर आने लगे गुड़गांव की गेट। यस, कौन सा था? हां अच्छा, गेट नंबर आगे होगा ना, उधर होगा गेट। चिकू कैसा लग रहा है आपको? चिकू इधर इधर अच्छा लग रहा है। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अभी आपने क्या किया? क्या किया? तो थोड़ा सा, थोड़ी सी वॉमिटिंग हुई थी। थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी वॉमिटिंग हुई मेरे बेटे को। नहीं, वो थोड़ी सी थी, इट्स ओके। होती है छोटे बेबीज को, तो होती रहती है। छोटे बेबी शैतानी भी बहुत करते हैं ना, दैट्स व्हाई। सो गाइज, वी आर बैक फ्रॉम द इवेंट। और कल रात को हम बहुत लेट आए थे, उसके रीज़न ये था कि कल चीकू को जहाँ पे मैं शूट कर रही थी वहाँ पे चीकू की उंगली जो है वो दरवाजे में आ गई। और वो दरवाज़ा बहुत बड़ा था, मतलब काफ़ी बड़ा दरवाज़ा था जिसपे उसकी फिंगर जो है वो आई। और उसके बाद वी वर सो मच स्केयर्ड कि हमें लगा एक टाइम के लिए कि शायद उसकी तीन जो फिंगर हैं उनमें कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो, क्योंकि ऑन द स्पॉट स्वेलिंग आ गई थी और यहाँ पे ब्लूश कलर का जो है निशान है वो हो गया था। तो हम लोगों ने जो हमारा इवेंट था वो वहीं पे बीच में छोड़ना पड़ा और हमें हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ा, जस्ट टू इंश्योर कि बस फ्रैक्चर ना हो। बाकी चोट है, बच्चे हैं, लगती रहती है कोई, मतलब हमें भी पता है ये चीज़। और अब जैसे जैसे उसकी एज ग्रो करेगी वो थोड़ा सा एक्टिविटीज़ में ज़्यादा वो होगी और ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाया करेगी चीज़ों को लेके।
तो इतना वो नहीं था चोट को लेके, बस हमें डर ये था कि कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, और उसके लिए हमें, और वो रो भी इतना ज्यादा रही थी, बहुत 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 ज्यादा रो रही थी, तो मैं खुद डर गई थी। और फिर उसके बाद हमने एक्सरे करवा के हम घर वापस आए, एंड दिस इज हाउ इट एंडेड अप, जो कि हमें लगा नहीं था कि इस तरीके से कुछ हमारा दिन जो है वो खत्म होगा। ज्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पाई मैं, अब भी चीकू की स्वेलिंग नहीं है उंगलियों में, थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग है स्पेशली ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में। और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक।